मैं बनाने वाला हूं एक शॉर्ट चैनल मेकिंग 90 वीडियोस इन 90 डेज, ताकि मैं देख सकूं कि 90 डेज के अंदर क्या 90 वीडियोस अपलोड करके 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं। तो चैलेंज डेट कि मैं अगले 90 डेज तक पर डे एक न्यू शॉर्ट अपलोड करूंगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 90 डेज उन वीडियोस का एनालिटिक्स एंड उन वीडियोस से जो भी मुझे एक्सपीरियंस होगा वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। डे वन, आई हैव टू क्रिएट अ चैनल, लेकिन इसके लिए मुझे चूज करनी पड़ेगी चैनल नीश, एंड मैंने चूज किया हिस्ट्री फैक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स इससे बेटर मैं बना ही क्या सकता था। तो सिंपली मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया, देन सेम डे मैंने अपलोड किया 11 PM में एक न्यू शॉर्ट, एंड इस पे व्यूज आए अराउंड 3.6K, एंड मैं थोड़ा हैप्पी भी हो गया। तो चलो व्यूज तो आ गए, एंड सेम 20 डेज तक मैंने ऐसे ही शॉर्ट्स अपलोड करता गया, एंड कुछ शॉर्ट्स में तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए, एंड जिसमें आ रहे थे वो 1.1K या 1.2K व्यूज पर फ्रीज हो रहे थे। एंड इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ जिस वजह से व्यूज 1.1K में फ्रीज हो रहे हैं। देन मैंने सेम 10 डेज तक एक्सपेरिमेंट करता गया, एंड इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे लिटरली हैरान करके रख दिया, क्योंकि इसके बाद मुझे एक मिस्टेक के बारे में पता चला जिसकी वजह से मेरे व्यूज 1.1K पर फ्रीज हो रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ था कि मैं अपने शॉर्ट वीडियोस 11 PM में अपलोड करता था, देन मैंने उन 10 डेज में अपलोड टाइम को अलग अलग टाइम में सेट करता गया, एंड द रिजल्ट इज ट्रूली शॉकिंग। जिन शॉर्ट्स को मैंने नॉर्मल टाइम से ज्यादा गैप में अपलोड किया, एंड जिनको थोड़ा 10 to 20 मिनट्स गैप में अपलोड किया, उनमें व्यूज एक्चुअल में इंक्रीज हो रहे थे। तो सेम मैंने 10 डेज तक ऐसा ही करता गया, जिसमें मैंने टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन को चेंज करके एक्सप्लेन करता गया। अब आ गया डे 60, एंड मुझे एक्चुअल में पता चला कि यह ट्रिक काम करता है, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस शॉर्ट फीड में नहीं जा रही थी तो ब्राउज फ्यूचर या फिर सजेशन में जा रही थी, एंड उसके बाद शॉर्ट फीड से भी वायरल हो रही थी। वैसे तो मैंने इन दिनों कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया, बट बेसिक आइडिया तो मिल ही गया हाउ शॉर्ट एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क। नेक्स्ट डे मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन था, क्योंकि अब तो बेसिक सब कुछ पता चल ही गया था, एंड सिर्फ शॉर्ट ही अपलोड करना था। बट इन्हीं दिनों के बीच सेम ट्रिक को फॉलो करते हुए भी मेरे वीडियोस 1K 2K पर फ्रीज हो रहे थे, एंड क्वेश्चन इज दैट कि अब मिस्टेक कहां पर है। एंड सेम 10 डेज तक मैंने मिस्टेक को फाइंड करने की कोशिश की, तो आई फाउंड अ समथिंग इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि मेरी वीडियोस शॉर्ट फीड में तो जा रही थी, एंड व्यूज ड्यूरेशन बहुत ही कम था, विच मीन्स कि जिन लोगों के पास मेरी वीडियो जा रही थी वो वीडियो को एंजॉय तो कर रहे थे, साथ में रिटेंशन रेट भी 90% तक था। तब मेरे को एक कमी देखने को मिली लाइक्स एंड कमेंट्स रेशियो की, लिटरली जिन लोगों के पास शॉर्ट वीडियो जा रही थी वो वीडियो को एंजॉय तो करते हैं लेकिन लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं करते थे। इसके बाद मैंने शॉर्ट्स में जोक्स ऐड करना शुरू किया, जिससे लाइक्स एंड कमेंट्स की कमी भी पूरी हुई, एंड 10 डेज बाद कोई वीडियो ऐसी थी जिसपे व्यूज स्टक हुए, नहीं तो एवरेज व्यूज 10 to 50K तक इजली जा रहे थे। अब बचे थे सिर्फ 10 डेज, इसमें मैंने वीडियो एंड वॉइस पे काम किया, जिसने मेरे 15K रेशियो को 30K से 40K तक कन्वर्ट कर लिया। अब मैं YouTube शॉर्ट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के इतने पास आ गया, हाँ इससे मोनेटाइज तो नहीं हो सकता बट 1-2 महीने और वर्क करके हो जाता। और हाँ, इस चैनल को मैं गिव अवे करने वाला हूँ, अगर इस वीडियो पे 10K व्यूज एंड 5K लाइक्स आए तो। आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना नाम एंड प्यारा से कमेंट लिखना है, ताकि मैं इस गिव अवे में तुम्हारा नाम भी शामिल कर सकूं। बाय।